सियासत दीन के लिए है दीन सियासत के लिए नहीं है कि दीन कुर्बान करो सियासत मिल जाए ऐ तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत रिस्क से इस मसला समझ नहीं आएगा आज इस तरह रूह एक बार से माजरत के साथ ऐ तायरे लाहूती उस वोट से मौत अच्छी जिस वोट से आती हो परवाज में कोताही कुछ लोगों की नजर सिर्फ वोट की पर्ची पर है, के हैचे पे है ही नहीं अरे सिंध असम्बली में सैयदा कहा गया वो कौन से नबी हैं जिनकी आप मां हैं फिर नबियों की मां कहकर तर्जमा किया गया जन्नत की खबीन की सरदार हजरत मोहम्मद सलम की लखत जिगर शेर खुदा की एहलिया और जन्नत के नौजवान नान के सरदार हजरत इमाम हसन अलम और हजरत इमाम हुसैन अलम की वालदा हैं, जिन्हें उमुल अम्बिया यानी अम्बिया की माँ कहलाने का लकब हासिल है उमुल अम्बिया यानी अम्बिया की माँ कहलाने का लकब हासिल है जन्नत की खातिन की सरदार हजरत मोहम्मद सल्लाम की लखते जिगर शेर खुदा की अहलिया और जन्नत के नौजवान के सरदार हजरत इमाम हसन अलम और हजरत इमाम हुसैन ताला अन्हा की वालिदा, जिन्हें यानी अंबिया की माँ कहलाने का लकब हासिल है उमुल अंबिया यानी अंबिया की माँ कहलाने का लकब हासिल है तो वहां कोई अहले दीन कोई नहीं था जो बोलता डाल रहे हो रिकॉर्ड गंदा कर रहे हो कादियानियत का दरवाजा खोल रहे हो अगर कोई मौलवी हो के चपे बैठा रहा है कि कल ये लोग हमें वोट नहीं देंगे तो वो किस चीज का दीन लाएंगे उमो लंबे आज भी नासिर हुसैन का बयान मौजूद है तो क्या सिर्फ ख्याल में बैतुल मुकदस आजाद कराना ही दीन है ये तो सारे मोतदात सब हिफाजत करके फिर आगे निकलना होगा वरना तो खसारा ही खसारा है कुछ कहेंगे कि ये तुम इस जमाने में इस वक्त भी ये कोई बातें करने का वक्त है मस्जिद अक्सा आज़ाद करानी है कश्मीर आज़ाद कराना है और तुम ये बातें कर रहे हो कुछ ऐसे भी भटके हुए हैं बेचारे अरे मस्जिद अक्सा आज़ाद तो करानी है तो क्या अगर कोई कहे कि किबले से मुंह हट जाए तब भी नमाज हो जाती है तो उसे नहीं बताएंगे कोई कहे कि फलीत पानी से भी वजू हो जाता है तो आप कहोगे नहीं मस्जिद करानी है कुछ ऐसे भी फिक्री समुद्रों में गुमान के घोड़े दौड़ाने वाले भी बेवकूफ हैं अरे हुसाम हरमैन जब लिखी गई फतावा रिजविया जब लिखा गया कंजुल ईमान जब लिखा गया उस वक्त इंटरनेशनल हालात क्या थे उस वक्त की इंटरनेशनल जंगों और हालात के सामने होते हुए मेरे इमाम ने कहा ईमान होगा तो फिर आगे जाके कुछ काम होगा और अगर ईमान ही नहीं तो फिर आगे किस तरह कोई काम हो सकता है पहले एक शख्स ने कादरियत के नाम पर कादरियों को लूटा आज फतावा रिजविया की रिजवियत और कंसुल ईमान की रिजवियत से हटकर फेसबुक की एक रिजवियत नहीं घड़ी जा रही है जिसमें पिल पिलापन है जिसमें सुलह कुलियत है जिसमें आला हजरत के मिशन से तसादम है और उसे रिशवियत कहकर इन सारी चीजों को हजम किया जा रहा है कि ये जमाना नहीं ये वक्त नहीं अब हमने ये करना है हमने कश्मीर आजाद कराना है हमने बैतलमुकदस अरे नई बिजलियां कहा उन बादलों के जेबो दामन में पुरानी बिजलियों से भी है जिनकी आस्तिया खाली अगर फिक्र रज़ा नहीं होगी तो जानना तो है कोई कामयाबी नहीं आ सकती